शांति 29 मार्च अव्यक्त महावाक्य हैं। हम जानते हैं अव्यक्त बाप दादा हमें रोज जैसे जगाते हैं, विस्मृति में आकर हम सो जाते हैं और बाबा बार बार जगाते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं बाप दादा अपने राइट हैंड बच्चों को देख रहे हैं। राइट हैंड शब्द बाबा यूज करते थे। राइट हैंड की हैंड्स की चार विशेषताएं होती हैं। देखिए हाथ, पहली सूक्ष्म विशेषता है कि मन में जो संकल्प होता है उसको कर्म का रूप देने में हाथ है ना, संकल्प उठा हाथ से हमने किया। तो बाबा कह रहे हैं बाप के जो संकल्प हैं, बोल हैं, क्या उसको प्रैक्टिकल कर्म में ला रहे हैं? जो ला रहे हैं वही बाबा के राइट हैंड हैं। बाबा के संकल्प और कर्मों को, श्रीमत को हम जानते हैं। हर श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म राइट हैंड से किया जाता है। तो क्या हम बाबा के राइट हैंड बच्चे तो श्रेष्ठ कर्म और शुभ कर्म ही कर रहे हैं? हमारे चेहरे और चलन से ये भी हमारे कर्म हैं, बाप प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये बाबा ने राइट हैंड की पहली निशानी बताई। दूसरी निशानी है राइट हैंड सहयोग की निशानी है, सहयोग की पहचान है। सहयोग में बाबा की बात हम सब बच्चे जानते हैं, तन मन धन से कौन कितना सहयोग कर रहे हैं। जो बहुत सहयोग कर रहे हैं वो राइट हैंड है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं समय मिला सहयोग कर दिया, इच्छा हुई सहयोग कर दिया, कभी मूड हुआ कुछ करने का तो कर दिया, वो आप ही समझ ले लेफ्ट हैंड हो गए। बाबा कह रहे हैं देखो बहुत बच्चों ने देह की प्रवृत्तियों से अपने को मुक्त नहीं किया। जो प्रवृत्ति है देह के संबंधों की उससे तो कई मुक्त हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति, इस देह में मन भी बहुत जाता है, समय भी बहुत जाता है, धन भी बहुत लगाते हैं। बाबा ने कहा वे भी बाबा के राइट हैंड बच्चे नहीं हैं। तो इस देह की प्रवृत्ति से भी न्यारे और प्यारे हो जाओ और बाप के कार्यों में संपूर्ण रूप से सहयोगी बन जाओ। तीसरी राइट हैंड की निशानी स्नेह, हाथ मिलाते हैं तो स्नेह की निशानी है ना। तो बाबा से स्नेह माना, बाबा के संकल्पों से, बोल से और संस्कारों से मिलन। तो बाबा याद दिला रहे बड़ी गहरी बातें हैं कि जो बाप के संकल्प हैं वही तुम्हारे भी हैं। कितने महान संकल्प हैं बाबा के, शुभ विश्व कल्याण के संकल्प। जो बाप के बोल हैं वही तुम्हारे भी हैं। बोल कितने मधुर हैं, सुखदाई हैं, कल्याणकारी हैं। व्यक्त भाव के बोल नहीं है, अव्यक्त भाव के बोल हैं, वरदान देने वाले बोल हैं, सुख देने वाले वैसे ही हैं। संस्कारों में भी मिलन, समानता। बाबा के संस्कार देखो, रहम दिल के, कल्याण करने के, सारे विश्व का कल्याण करने के हैं, सबको देने ही देने के हैं। बाबा ने कहा संस्कार बहुत हैं, उदारता के संस्कार हैं। तो अपने को चेक कर लो कि हम संस्कारों का भी, संकल्पों का भी और बोल का भी मिलन बाबा से कर रहे हैं। चौथी निशानी हाथ की होती है शक्ति। मनुष्य में कितनी शक्ति है वो उसके हाथों से पता चलता है ना, विशेष रूप से राइट हैंड से। तो तुम कितने शक्तिशाली बने हो, जो बहुत शक्तिशाली हैं वही बाबा के राइट हैंड हैं, कम शक्ति लेफ्ट हैंड में होती है। तो अपनी शक्तिशाली वाइब्रेशन से वायुमंडल को बदल सकते हो, अपने शक्तिशाली वाइब्रेशंस देकर दूसरों को भी शक्तिशाली बना सकते हो। तो ये चार बातें बाबा देख रहे थे और प्रेरित कर रहे हैं, तुम सभी बाबा के राइट हैंड हो, जो नहीं है वो राइट हैंड बने और बाबा के इस कार्य को पूर्ण करें। पार्टियों से बात करते हुए बाबा याद दिला रहे हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, इस चक्र से
अगर तुम ये चक्र घुमाते रहोगे तो व्यर्थ संकल्पों का सारा चक्र समाप्त हो जाएगा, दुखों का चक्र समाप्त हो जाएगा, तुम विजयी बन जाओगे। तो बाबा के पांच स्वरूपों का अभ्यास हम करते चलें, तुम शक्तिशाली बन जाओगे। इससे माताओं से बात कर रहे हैं जो ग्रस्त में रहने वाले हैं, तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम्हें अपनी पवित्रता का एग्जाम्पल सारे संसार को दिखाना है, दिखा रहे हो। तुम्हारी पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है। घर ग्रस्त में रहते हुए पवित्र बनना, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बनना, इससे तुम बहुत शक्तिशाली भी बनती जाती हो। कुमारों से बात कर रहे हैं, कुमारों को आज बाबा बहादुर कह रहे हैं। सभी ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर बहादुर कुमार हो, बाप द्वारा मिले हुए सभी खजानों से संपन्न धनवान, बहुत धनवान कुमार हो। माया जीत हो, तुम विजयी रत्न हो। माया शक्तिशाली आत्माओं से घबराती है, तो माया तुमसे घबराती है। अपने स्वमान में रहेंगे तो सेवाओं में भी बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। सबको शक्तियों के वाइब्रेशंस देने वाले तुम सभी कुमार हो। बच्चों से बात करते हुए बाबा ने कहा, संपूर्ण स्वरूप की निशानी है मान अपमान सुख दुख हार जीत में समान रहना। ये नहीं मान मिले तो मान की इच्छा बढ़ती जाए, अपमान मिले तो स्थिति गिर जाए, नहीं। और जीवन में बैलेंस रखना है तो बाप की ब्लिस मिलती रहेगी और तुम्हें बहुत शक्तिशाली बन जाना है। बाबा इस तरह भिन्न भिन्न प्रेरणाएं हम सबको दे रहे हैं, वरदान है। ईश्वरीय मौज और खुशी में रहने वाले बाबा से कंबाइंड स्वरूप होकर रहना है। अकेले होते हैं तो खुशी और मौज नहीं रहती, लेकिन मेरे साथ बाबा है, इस खुशी में इस चिंतन में रहेंगे तो बहुत मौज रहेगी, बहुत खुशी रहेगी, दुखों की लहर से पूरी तरह मुक्त रहेंगे। तो बाबा के ज्ञान का चिंतन करते हुए और बाबा मेरा साथी है ये स्मृति रखते हुए हमें सदा बहुत ही खुशी और मौज में रहना है। बाबा हमें माया से सेफ बनाना चाहते हैं, तो स्लोगन में याद दिला रहे हैं, योग का कवच पहन कर रखो। तो आज हम याद रखेंगे, बाबा मुझसे कंबाइंड है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ और शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, हम दोनों साथ साथ रहते हैं। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।